हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं सबनम स्वागत करती हूं आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। तो बज गए हैं शाम के 4। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज हमारे घर पर बनने जा रहे हैं समोसे, तो आपको दिखाएँगे कैसे बनाएँगे समोसे हम लोग। तो आप घर पर ही बाज़ार जैसे समोसे बना के खा सकते हैं, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, और बाज़ार से एकदम हेल्दी बन जाते हैं घर पे, और नुकसान भी नहीं देते हैं, अच्छे से आप अपने घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो दोस्तों, इधर हमारे समोसे बनाने के लिए मैदा तैयार किया जा रहा है। तो मैदे में डाला गया है अजवाइन और जीरा, और गरम किया हुआ थोड़ा सा रिफाइंड। ये रिफाइंड इतना डालना है आपको कि ऐसे लड्डू से बनने लगे जब मैदा, तो तभी मतलब अच्छा रहेगा। तो लड्डू से बनने लगे तो उसके बाद हम अपना मैदा अच्छे से लगा लेंगे, मार लेंगे। ना ज़्यादा ढीला मारना है और ना ही ज़्यादा टाइट, तो मतलब मीडियम का रखना है। और इधर हमारा भरता भी तैयार हो गया है, तो जो कि उसका मतलब हमने क्लिप नहीं ले पाया था, बाबू रोने लगा था तो हमने उसको ले लिया था गोदी, तो हमने वो आपको नहीं दिखा पाया है वो भरता मतलब कैसे बनाते हैं। तो बन चुका था, उसके बाद ही हम मतलब आप आए थे। तो इधर हमारे समोसे बनने लगे हैं, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से समोसा बन गया है, तो ये देखिए। और इधर हमारे भैया भी बना रहे थे एक तरफ, और हम अपने वाले अलग रख रहे थे, भैया अलग रख रहे थे। तो भरते में वैसे खड़ा धनिया पड़ता है, जीरा, हींग और नमक और लाल मिर्च, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्च, और भी खटाई डाल ली जाती है, क्योंकि इससे इन चीज़ों से हमारा भरता तैयार किया जाता है। तो इधर समोसे बन के तैयार हो चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं, और इधर ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से सिक गए हैं, बाजार जैसे एकदम क्रिस्पी बने थे हमारे समोसे, बहुत ही टेस्टी बने थे सच में, ऐसे तो बाज़ार में भी नहीं खाने को मिलते हैं। तो इधर बहुत ही टेस्टी बने थे, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं, बाजार जैसे एकदम हमारे समोसे। तो फ्रेंड आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिएगा। और इधर सभी लोग एंजॉय करके ही समोसे खा रहे थे, हंसते जा रहे थे, साथ में बातें भी करते जा रहे थे, और समोसे का मज़ा भी लेते जा रहे थे, तो एकदम मीठी चटनी के साथ ये बहुत ही यम्मी यम्मी समोसे बने थे। और इधर सार्थक भी बहुत ही मन से खा रहे थे समोसे, तो सभी लोग साथ में बैठ के खा रहे थे, हम थोड़ा इधर आ गए थे, और एक तरफ दीदी और भैया खा रहे थे, और बाकी के लोग सभी लोग खा चुके थे। तो ये देखिए, ये हैं हमारे भाई साहब, इन्होंने समोसे बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बना लेते हैं समोसे। तो भैया ने बनाए और खुद ही नहीं खाए थे समोसे, बोले हमको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो नहीं जा खाए थे समोसे। और ये है हमारी दीदी, यानी कि हमारी जेठानी जी, क्योंकि खाना खा रही है साथ में समोसे भी। किसी को समोसे पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो साथ में रोटियाँ भी बनी थी, सब्जी भी बनी थी, और बाकी के लोग खा के चले गए थे। तो फ्रेंड इधर हमारा सारा काम हो गया था, खाना पीना मतलब हो गया था, उसके बाद हम अब धुलेंगे बर्तन। तो सभी लोग खा के गए थे, तो इधर सारे बर्तन बिखरे हुए पड़े हैं, ये तो भाई सार्थक ने फैलाए हुए हैं, बाकी के लोग तो अपने उठा के रख देते हैं, तो सार्थक ज्यादा फैलाते रहते हैं, कहीं गिलास, कहीं चम्मच, तो कहीं कटोरी, ये ज्यादा फैलाते हैं बर्तन हर बार में, ने बार बार लेंथ लेते हैं, तो नया बर्तन चाहिए इनको। तो इधर खेल रहे हैं ये, बच्चों को खिला रहे हैं सार्थक के पापा, ये बहुत शैतान गोला है, छोटा 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 बहुत शैतान बाबू है ये। और ये हमारा सुबह का क्लिप है, सुबह 5 बजे का, तो बाबू सुबह 4 बजे जग जाता है। गुड मॉर्निंग, हाय, ये देखिए फ्रेंड,
5 बज गए हैं, गोला जग गया है, 4 बजे जग गया था। करी का दिखाई दो बैकर के, गोला 4 बजे जग जाता है। ये देखिए गोला 4 बजे उठकर खेलने लगता है। हाय गोला गोला बहुत गंदा गंदा है गोला जी, देखो 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 ये देखिए गोला खेल रहा है गोला। गुड मॉर्निंग गोला, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो फ्रेंड इधर बाबू जगा था, फिर उसके बाद सो गया था, बज गए थे 6। तो इधर अब हम लगाएंगे अपनी झाड़ू, तो हम उठ गए हैं और बाबू दोबारा से सो गया है, उसके पापा भी सो गए हैं साथ में, और सार्थक अपनी बड़ी मम्मी के साथ लेटते हैं बाहर। और तो हम चलिए लगा लेते हैं अपनी झाड़ू, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड ये कुछ हमारे बाहर का नजारा है सुबह 6 बजे का, तो अभी हल्का हल्का सा अंधेरा सा है, और ये देखिए चंद्रमा अभी कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी सभी लोग सो रहे थे, हम उठ गए थे, ये देखिए अभी सभी लोग सो रहे हैं और टीवी देखने लगे उठते उठते। ये देखिए, और ये इधर हमारी भैंस बंधी है, इसकी आंखें सिर्फ दिखाई दे रही हैं, चमक रही हैं, और यहाँ पे कंडे पाते जाते हैं। और ये हमारा क्लिफ है लगभग 11 बजे का। तो इधर हमारा खाना पीना हो गया था, सारे काम भी हो गए थे, बर्तन भी धुल गए थे, झाड़ू भी लगा लिया था हमने, बाकी के काम सारे हो गए थे। तो हमने सोचा थोड़ा लिपाई कर लेते हैं, तो इधर हम कर रहे हैं अपनी लिपाई, क्योंकि लिप जाता है तो अच्छा लगने लगता है। और काफ़ी खुद गया था तो हमने सोचा लिप देते हैं अच्छे से, तो गोबर से लिपाई कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एक गांव में गोबर मिट्टी का काम तो चलता ही रहता है कच्चे घरों में, और हमारा तो अभी बना भी नहीं है, तो जल्दी से मतलब खुद जाता है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है ज़मीन। तो इधर इसीलिए हम लिपाई कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, इतना पढ़ी लिखी होकर भी ये सब कूड़ा और मिट्टी गोबर का काम करना पड़ रहा है। सोचा कुछ और था पर वो कुछ और रहा है, तो जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के बाद तो बस घर गृहस्थी ही संभालना पड़ जाता है महिलाओं को, और उसके बाद नहीं हो पाता है, कितना भी कोशिश करो या फिर मतलब पास में पैसा होता है तो हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है और टाइम की भी ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। तो सब इसीलिए मैं इतना सब कुछ ये सब करना पड़ रहा है, झेल रही हूँ, और पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। तो चलिए इधर हमारी लिपाई भी धीरे धीरे होती जा रही है बातों बातों में। लगा है घर कच्चा हो या पक्का साफ सुथरा होना चाहिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर देखिए ये हमारी समर लगी हुई है, इधर जहाँ पे ये डब्बा रखा है यहाँ पे समर लगी है, और उधर कंडे लगे हुए हैं। हमने इतना ही लिपा था क्योंकि इतने में बहुत ज़्यादा खुद गया था।